चिल्ड्रन, आप सब कैसे हैं? आशा है आप सब अच्छे होंगे। मैं आपको आज लेसन वर्ब का पढ़ाऊंगी। वर्ब मतलब होता है क्रिया, ठीक है। वर्ब मतलब क्रिया, जो काम हम कर रहे हैं दैट इज वर्ब। वर्ब्स आर ऑल्सो नोन एज एक्शन वर्ड्स और स्टेट वर्ड्स। वी कैन नॉट मेक ए सेंटेंस विदाउट ए वर्ब। अब हम इसकी काइंड्स ऑफ वर्ब्स देखेंगे। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ वर्ब्स: ट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब एंड लिंकिंग वर्ब। इनको एक्सप्लेन और कर देती हूँ, आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सम ट्रांजिटिव वर्ब्स नीड एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट देयर सेंस व्हाइल सम डू नॉट। मतलब कुछ ट्रांजिटिव वर्ब ऐसी होती हैं जिसमें कि ऑब्जेक्ट की आवश्यकता होती है और कुछ ऐसी जिसमें नहीं होती। जैसे अनीता बीट्स, सुरेश मेक्स। अभी आपके सेंटेंस जो हैं डू नॉट गिव अ प्रॉपर सेंस, ठीक है। इनको कंप्लीट करने के लिए सेंटेंस को हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। ऑब्जेक्ट बनाने मिलाने के बाद हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। एडिंग करेंगे, जैसे अनीता बीट्स हर सन, इसमें हम हर सन ऐड कर दिया, सुरेश मेक्स काइट्स। तो ये हमारा ऐड करने, ऑब्जेक्ट ऐड करने के बाद ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया और इसका सेंस भी समझ आ रहा है कि क्या सेंस है। तो दैट इज ट्रांजिटिव वर्ब। इन ट्रांजिटिव वर्ब में क्या होता है, इन कॉन्ट्रास्ट टू इंट्रांजिटिव वर्ब, इन ट्रांजिटिव वर्ब्स डू नॉट नीड एन ऑब्जेक्ट टू कम्प्लीट देयर सेंस। यानी इसमें क्या चीज़ें सेंस बनाने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है। सच वर्ब्स हैव कम्प्लीट सेंस, है ना, इवन विदाउट एन ऑब्जेक्ट। सच वर्ब्स आर कॉल्ड इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इनका सेंटेंस जो होता है कम्प्लीट होता है विदाउट एन ऑब्जेक्ट, और इसको हम इंट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। यानी ट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है सकर्मक क्रिया और इंट्रांजिटिव वर्ब का मतलब होता है अकर्मक क्रिया। आपने हिंदी में भी पढ़ा होगा, ठीक है। अंकुर वॉक्ड, अंकुर दौड़ा, शालू लाफ्ड, है ना, शालू हंसी, द रिवर फ्लोड। तो आपके ये जो सेंटेंस है जैसे वॉक्ड, लाफ्ड, फ्लोड, ये है इंट्रांजिटिव वर्ब और इनका सेंटेंस भी कंप्लीट है, सेंस भी बन रहा है, तो दैट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। इसके बाद हमारा आता है नेक्स्ट इनकम्प्लीट लिंकिंग वर्ब, ठीक है। लिंकिंग वर्ब का मतलब होता है सम वर्ब्स डू नॉट मेक कम्प्लीट सेंस बाई देमसेल्व्स। मतलब कुछ ऐसी वर्ब होती हैं, कुछ ऐसी क्रियाएं होती हैं जो कि कम्प्लीट सेंस अपने आप में नहीं होता है जिनका। दे डू नॉट टेक एन ऑब्जेक्ट टू मेक देयर सेंस कम्प्लीट, मतलब उनको ऑब्जेक्ट नहीं चाहिए उनका सेंटेंस कम्प्लीट करने के लिए सेंस को। इसलिए हम क्या करते हैं कि इसमें कॉम्प्लीमेंट ऐड किया जाता है ऐसे सेंटेंसेज में, इन सच केसेज में। तो एट द एंड ऑफ ए सेंटेंस टू मेक द सेंस कम्प्लीट, यानी सेंस को कम्प्लीट करने के लिए उसमें ऐड किया जाता है कॉम्प्लीमेंट, तब हमारा वो लिंकिंग वर्ब कहलाता है। उसको लिंक किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, इसलिए इसका नाम लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ए वर्ब दैट जॉइंस ए वर्ब विद इट्स कॉम्प्लीमेंट इज कॉल्ड अ लिंकिंग वर्ब। इसीलिए इसको हमने लिंकिंग वर्ब कहा है। द एप्पल टेस्ट स्वीट। अब इसमें हमने क्या जोड़ा, जैसे एग्जाम्पल में द एप्पल टेस्ट स्वीट, द प्रपोजल साउंड्स बेनिफिशियल। यानी एप्पल का टेस्ट स्वीट है ना, तो स्वीट इसमें हमने क्या करा, ऐड किया है, तो हमारा ये लिंकिंग वर्ब हो गया। इसमें इसी तरह से हमने बेनिफिशियल को ऐड किया है तो हमारा क्या बना, ये लिंकिंग वर्ब बना। इस तरह से ये आपकी वर्ब की इस तरह से काइंड्स हो गए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक और शेयर जरूर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग इसका लाभ उठा सकें और आपकी समझ में आ जाए। और कुछ प्रॉब्लम है आपको चिल्ड्रन, तो आप मेरे कॉम्प्लीमेंट बॉक्स में जा करके लिख सकते हैं।